से हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटे एकदम टेस्टी आलू के पराठे। दोस्तों ये हमने आलू कर लिए हैं बॉईल और इनको अब हम करेंगे मिक्स अच्छे से। सारा मसाला क्या क्या डालेंगे वो सारी चीजें आप लोग को हम अच्छे से विधि पूर्वक दिखाते हैं। दोस्तों चलते हैं इनको मिक्स करने। हम ऐड करेंगे अब ये थोड़ा सा जीरा और ये थोड़ी सी हींग जो हमारे पेट के लिए अच्छी होती है। ये थोड़े से भारी होते हैं आलू के पराठे तो इनमें हींग डालना थोड़ा सा जरूरी है, अच्छा लगता है पेट के लिए, बहुत अच्छा होता है। और ये हरी मिर्च हम ऐड कर रहे हैं, आप 4-5 हमने डाला है, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और ये हम डाल रहे हैं थोड़ा सा 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, इसमें इसका टेस्ट आलू के पराठों में बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो मत डालिएगा, लेकिन खाते हैं तो जरूर डाल के देखिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू के पराठों में। सारा अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। अब हम ये अपना आटा लगा लेते हैं, इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे पराठों में, आटे में नमक थोड़ा सा डाल लीजिए तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा डाला हमने और हम इसको भून के रख देते हैं थोड़ी देर के लिए अच्छे से। और पराठे का हमेशा, आलू के पराठे का आटा हमेशा गीला सानना है, नहीं तो हमारे पराठे फटेंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। हमेशा याद रखना दोस्तों, और आलू के पराठों के लिए हमेशा आटा गीला गूंदना है। और मैं कभी कभी वीडियो नहीं बना पाती हूँ दोस्तों, बहुत जल्दी रहती है मुझे सिलाई भी काम, आप लोग जानते हो जैसे कि मैं बहुत सिलाई करती हूँ, सिलाई में व्यस्त रहती हूँ तो वीडियो मैं नहीं बना पाती हूँ दोस्तों, इसके लिए सॉरी। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं पक्का वीडियो बनाती हूँ। आप लोग देखते रहिए हमारे चैनल को और सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोग को अच्छे से पराठे बना के अभी दिखाती हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा आटा गूंद चुका है और एकदम सॉफ्ट हमने आटा गूंद लिया है, एकदम देखिए ये गीला आटा है एकदम। इसी तरह आटा गूंदना है हमें और बढ़िया से हमारे पराठे बन जाते हैं। जो लोग कभी पराठे नहीं बना पाते हैं, फट जाते हैं, नए बच्चे हैं, नई लड़कियां हैं, नहीं बना पाती हैं, इस तरह से बनाएंगे तो उनके पराठे बिल्कुल नहीं फटेंगे दोस्तों। अब हम आप लोग को आगे दिखाते हैं बनाना। देखिए दोस्तों हमने इसको बेल लिया है थोड़ा सा और इसको इसमें हम मसाला अपना भर देंगे। आप लोग इसमें चाहो तो हल्दी और थोड़े से मसाले ऐड कर सकते हो, कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के तड़का लगा सकते हो, लेकिन मैंने कुछ मसाला नहीं डाला इसमें, बस नमक, हरी मिर्च, जीरा, हींग डाला है और थोड़ा सा कच्चा प्याज डाला है हमने, जो कि हमने पहले वीडियो में इसी में दिखा दिया है। आप इस तरह से इसको बंद कर लीजिए और अच्छे से सूखा आटा लगा लीजिए और ऐसे बेल लीजिए, बिल्कुल हमारा पराठा नहीं फटेगा और बहुत ही स्वादिष्ट से बेल लिए हैं। वैसे सूखा आटा से बेल लेंगे थोड़ा सा और इसमें हम मसाला भरेंगे। इसे बंद कर लिए हैं। इसमें हम अच्छे से तेल लगा देंगे, इसको पलटते हुए अच्छे से फिर से पकाएंगे और इधर भी हम अच्छे से तेल लगा देंगे। क्या अच्छा कुरकुरा पराठा बना है और एकदम फूल रहा है हमारा पराठा। आप लोग भी बनाइए और अच्छे से खाइए,
बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट हमने बनाया है। इसमें कुछ मसाले हमने नहीं डाले हैं। ये देखिए हमने गरम गरम बनाए हैं और इसमें हम बढ़िया देसी घी जो हम मलाई से निकालते हैं अपने वीडियो में हमने दिखाया है वही हम देसी घी डाल के बढ़िया खाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है गरम गरम दही के साथ दोस्तों। सुबह चाय शाम को बढ़िया खाइए दोस्तों। बाय। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय दोस्तों।